हम सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज यूज होता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में फ्रीजर ऊपर ही क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं वो नीचे होता है, इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो एक्चुअल में फ्रीजर अपना कुछ ऐसे दिखता है, ये सब समझो कि खाली अलमारी है जिसमें हम लोग सामान रखते हैं। एक्चुअल में जो काम करता है कौन करता है, फ्रीजर करता है। सारा कूलिंग इफेक्ट कहाँ जनरेट होता है, फ्रीजर से ही होता है। तो समझते हैं, मान लें कोई बाहर समझो क्या इंसर्ट किया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब इतना श्योर है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी टेम्परेचर फ्रिज के कंपैरिजन में ज्यादा रही होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हॉट बॉडी रहेगा और अंदर जो पहले से एयर मौजूद था वो कोल्ड एयर होगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगा ऑब्जेक्ट से कोल्ड एयर के बीच में और कोल्ड एयर बन जाएगा अपना हॉट एयर। और हॉट एयर अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटने का मतलब मास घटेगा, वेट घटेगा, कहीं ना कहीं बॉडी कैसी हो जाएगी, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। लाइटर होने की वजह से ये ऊपर लिफ्ट करेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो हीट किसको देगा, फिर फ्रीजर को ही देगा। अगर मान लो फ्रीजर ऊपर के बजाय नीचे होता तो ये हॉट एयर जाके ऊपर कलेक्ट हुआ था, ऊपर का पूरा इसका छत गर्म हो सकता, पिघल के वहीं गिर जाता। ठीक, तो फ्रीजर को एक्चुअली इसलिए हम लोग ऊपर रखते हैं ताकि हॉट एयर ऊपर जाके अपना पूरा का